आज विभिन्न समाचार चैनल और समाचार पत्र इनकी तरफ से आज ट्वीट्स हुए हैं शिक्षक भर्ती के पक्ष में, तो सोचा कि आपको अपडेट्स दे दूं। पहला जो ट्वीट किया था ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़ की तरफ से किया गया। ये पहला नहीं, सबसे लेटेस्ट ट्वीट है। आज मुख्यमंत्री जी का रीवा दौरा हुआ और वहाँ पर चयनित शिक्षकों ने ज्ञापन दिया, लेकिन फिर से निराशा हाथ लगी क्योंकि सीएम ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तो इसी के बारे में लिखा है ब्रजेश राजपूत जी ने, चयनित शिक्षक आज फिर निराश हुए जब रीवा में वो चौहान शिवराज जी से कोई भरोसा ना पा सके। तो ये ट्वीट लिखा है उन्होंने। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्वीट है वो पत्रिका जो न्यूज़पेपर है उनकी तरफ से हुआ था सुबह। इसमें क्या लिखा है, 30,000 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति मामला, पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर की अपील। कल जो उन्होंने कमलनाथ जी ने जो पत्र लिखा है शिवराज जी के लिए शिक्षक भर्ती से संबंधित, उसी के बारे में पत्रिका ने आज सुबह पेपर में न्यूज़ भी आई थी और फिर ट्वीट भी किया। इसके बाद आज तक ने, आज तक जो कि नेशनल लेवल पर बहुत बड़ा चैनल है और प्राइवेट चैनल्स की बात करें तो सबसे पुराना और सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल है, तो इन्होंने भी ट्वीट किया है। क्या लिखा है इन्होंने, पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्र लिखकर इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरी कराने की मांग की है। तो ये ट्वीट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक इस मुद्दे को बराबर उठा रहा है। दूसरा, आज तक के ही रिपोर्टर जो हैं, रिपोर्टर रवीश पाल सिंह जी, इन्होंने भी इसी पत्र के बारे में उल्लेख किया है ट्वीट करके। क्या लिखा है, पूर्व सीएम ने पत्र लिखा कि शिवराज को पत्र की, चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग देने की मांग, पढ़े मेरी रिपोर्ट। साथ में उन्होंने एक रिपोर्ट भी उसमें अटैच की है। तो ये ट्वीट्स हैं आज दिन भर का घटनाक्रम, और मैं इसके बाद में एक वीडियो भी इसमें अटैच कर रहा हूँ जो रीवा में चयनित शिक्षकों की टीम ज्ञापन देने गई, शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन दिया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो आप वीडियो भी देखें, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। चला काम तो भाई बना। प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल।